हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉट्स एंड पार्ट्स गार्डनिंग विद मी। आज हम जिस खूबसूरत से प्लांट की बात करेंगे वो है मनी प्लांट, जिसे हम पोथोस के नाम से भी जानते हैं। मनी प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो मोस्ट ऑफ सभी घरों में पाया जाता है, चाहे आप उसे वाटर में ग्रो करें, चाहे ज़मीन पर, या इस तरीके से पॉट में ग्रो करें। लगभग 3 साल पहले मैंने ये प्लांट एक छोटी सी स्टेम से ग्रो किया था और आप देख सकते हैं कि अभी ये प्लांट कितना हेल्दी है। इस प्लांट की मोस्ट ऑफ लीव्स बड़ी आकार की हैं, आप देख सकते हैं। देखिए, इसकी सिर्फ एक लीफ नहीं बल्कि मोस्ट ऑफ लीव्स इस प्लांट की बड़े आकार की है। मेरे हाथ के आकार से भी ये बड़ी हैं, आपको मैं दिखाती हूँ। देखिए, ये लीव्स हो चाहे, ये तो मेरे हाथ से भी बड़े आकार की है, और ये लीव्स आप देख सकते हैं। मैं सारी लीव्स जो इसकी बड़ी बड़ी लीव्स हैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितनी बड़ी हैं। और आपको इस वीडियो में ये जानने को मिलेगा कि मैं किस तरीके से अपने जो मनी प्लांट है उसकी केयर करती हूँ, जिससे कि इस मनी प्लांट की ये पत्तियाँ इतनी बड़ी हैं। अगर आप भी मेरे इस प्लांट की तरह बड़ी लीव्स चाहते हैं मनी प्लांट पर, तो मैं आपको इस पूरे वीडियो में 5 ऐसी टिप्स बताऊंगी जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं, जिनको आप फॉलो करेंगे तो आपके मनी प्लांट तो भी इसी तरीके से हरा भरा तो होगा ही, साथ में उसकी भी पत्तियां बड़ी हो जाएंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब भी आप मनी प्लांट को पॉट में लगाएं तो आप एक गहरा पॉट यूज़ करें, जिससे कि उसकी जड़ें गहराई तक आराम से जाएं। तो इस तरीके से आप एक बड़ा पॉट शुरू से ही यूज़ करिए, जिससे हमें बार बार इसे रिपॉट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पहली बार में ही आप सही सॉइल मिक्स तैयार करें। सॉइल मिक्स तैयार करते समय मैंने 50% नॉर्मल गार्डन सॉइल, 20% कोकोपिट, 20% गोबर से बनी हुई खाद और 10% मैंने इसमें बनाना पील, ऑनियन पील और जो एग शेल्स होते हैं उन सबको ड्राई करके, उनको मिक्स करके अच्छे से पीस लिया था, और वो जो पाउडर था वो मैंने इसमें यूज़ किया। गोबर से बनी हुई खाद की विशेषता यही होती है कि वो स्लोली न्यूट्रिएंट रिलीज़ करती है, जिससे कि सालों साल प्लांट को न्यूट्रिएंट मिलता रहता है। इसके अलावा जो हमने केले के छिलके, प्याज के छिलके और जो एग के छिलके होते हैं उनका जो पाउडर बनाया था सुखा के, वो यूज़ किया है, उससे इस प्लांट की पत्तियां आप देखिए कितनी हेल्दी बनती हैं। और ये इस प्लांट में एनपीके की भी जो कमी होती है उसकी पूर्ति करता है। तो दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसकी जड़ों को जब पर्याप्त सहारा मिलता है तो इसकी पत्तियाँ स्वयं ही बड़ी हो जाती हैं। तो आप हमेशा मॉस स्टिक का प्रयोग करें। जो ये मॉस स्टिक होती है, ये जो नारियल का छिलका होता है उससे बनी हुई होती है, इसमें कुछ ड्राई लीव्स भी होती हैं। तो जब ये धीरे धीरे सड़ने लगती हैं तो ये भी एक तरीके से खाद ही बन जाती है, और इससे जो इसकी जड़ें जो है पोषक तत्व सोख लेती हैं, जिससे कि इस प्लांट की पत्तियाँ बड़ी होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो इस बात का आप ख्याल रखें कि मनी प्लांट को किसी लकड़ी या कपड़े की बनी हुई मॉस स्टिक का बिल्कुल भी सहारा ना दें। आप मार्केट से जो नारियल की बनी हुई मॉस स्टिक होती है इस तरह की, उसको ही लेकर आएं। जब मैंने मनी प्लांट की स्टेम को इस पॉट में लगाया तो मॉस स्टिक जो है उसको स्टेम के साथ बांध दिया, जिससे कि जो इसकी जड़ें निकलेंगी वो मॉस स्टिक को अच्छे से जकड़ लेंगी और उसका सहारा लेकर ये प्लांट ऊपर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि हम इस प्लांट को पानी किस तरीके से लगाते हैं। इस प्लांट को जो सॉइल है वो मॉइस्ट रहनी चाहिए, लेकिन ओवर वाटरिंग नहीं होनी चाहिए। मैं इस प्लांट को जब भी पानी लगाती हूँ तो ऊपर जो मॉस स्टिक है वहाँ से पानी लगाती हूँ, जिससे कि इसकी जो मॉस स्टिक है वो मॉइस्ट रहती है। अगर इसकी मॉस स्टिक रफ़ रहेगी, सूखी रहेगी, तो उससे जो न्यूट्रिएंट है, जो प्लांट है, वो एब्जर्ब नहीं कर पाएगा। तो इसकी हमेशा मॉस स्टिक गीली रहनी चाहिए।
तो पानी हमेशा आप ऊपर से लगाइए और ऊपर से पानी रिसता हुआ नीचे सॉइल तक आएगा, जिससे ओवर वाटरिंग भी नहीं होगी और इसकी मॉसिस्टिक हमेशा मॉइस्ड रहेगी। इवन मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि मैं किस तरीके से इस प्लांट में वाटरिंग करती हूँ। मैं हमेशा इसी तरीके से वाटरिंग करती हूँ, मैं ऊपर से मॉसिस्टिक की साइड से इसमें पानी डालना स्टार्ट करती हूँ, जिससे कि पानी रिसता हुआ नीचे तक इसकी जड़ों में जाता है। इस तरीके से ओवर वाटरिंग नहीं होगी और इसकी मॉसिस्टिक हमेशा मॉइस्ट रहेगी। मॉसिस्टिक मॉइस्ट रहने से इस प्लांट में जो इसकी मॉसिस्टिक में से भी न्यूट्रिएंट ये प्लांट लेता रहेगा और इस प्लांट को एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट मिलने से इसकी पत्तियाँ बड़ी होती हैं। इसके बाद जो चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इस प्लांट की हमें हार्ड प्रूनिंग करनी है। फैब मंथ के जो लास्ट वीक होता है आप इसमें इस प्लांट की हार्ड प्रूनिंग कर दीजिए, क्योंकि विंटर में इस प्लांट में कोई ग्रोथ नहीं होती है और इसकी पत्तियां भी पीली पड़ जाती हैं और उनमें कोई चमक भी नहीं रहती है। तो मैं इस प्लांट की हर साल जो फरवरी का मंथ होता है उसके लास्ट वीक में इसकी प्रूनिंग कर देती हूँ। उसके बाद मार्च आते आते इस प्लांट में नई शूट्स निकलना स्टार्ट हो जाती हैं और उसकी पत्तियां जो नई आती हैं वो चमकदार भी होती हैं और बड़ी भी होती हैं। तो हमेशा आप इस प्लांट की हार्ड प्रूनिंग फैब के लास्ट वीक में कर दीजिए। उसके बाद पूरे साल आप देखिए ये प्लांट जो है अच्छे से ग्रो करता है। आप देखिए मैंने इसकी कहाँ कहाँ आप देख सकते हैं हार्ड प्रूनिंग कर रखी है। तो हर साल मैं इसी तरीके से फैब के लास्ट वीक में इस प्लांट की हार्ड प्रूनिंग कर देती हूँ। इसके बाद फिफ्थ जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इस प्लांट को हमने रखना कहाँ है। आप इसे इंडोर नहीं रख सकते, क्योंकि अगर आप इसे बंद कमरे में अंधेरे में रखेंगे तो ये प्लांट की पत्तियाँ काली पड़ जाएंगी और ये प्लांट एकदम ख़राब हो जाएगा। आप इसे धूप में भी नहीं रख सकते, धूप भी इस प्लांट को अच्छी नहीं लगती है। तो आपको ऐसी जगह इस प्लांट को रखना है जहाँ पर कंप्लीट शेड आता हो और ज़्यादा तेज़ धूप भी नहीं आती हो, और इस तरह का बालकनी हो गया, आपका आंगन हो गया, आपका जो बगीचा है किसी पेड़ के नीचे जहाँ छाया आती है वहाँ आप इस प्लांट को रखिए, यानी कि ब्राइट सनलाइट में आपको ये प्लांट रखना है। अंत तक मेरे वीडियो में जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।